C++ क्या है? C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ आ गया कि हम लोग कोडिंग करते हैं, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं? अब सी लैंग्वेज में हम प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ जैसे फंक्शंस यूज करते थे, ठीक है, पर जो C++ है इसमें हम लोग प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ फंक्शन नहीं यूज करते, बिल्कुल भी नहीं यूज करते। इनकी जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट्स। पर ये क्या है, ये जो इधर को एरो जा रहा है और इधर को एरो जा रहा है, वी कॉल दिस एज इंसर्शन ऑपरेटर। और इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो जो सी एन है, ये जो सी इन है ये स्कैन एफ की जगह यूज होता है, और जो सी आउट है ये हमारा प्रिंट एफ की जगह पे यूज होता है, ठीक है, समझाया? हम लोग यहाँ पे ये यूज करते हैं और यहाँ पे ये एंड ये, गॉट इट? जो सी एंड सी प्लस प्लस होती है इन्हें मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? वी आर स्टडिंग सी एंड सी प्लस प्लस, राइट? बेसिकली वी आर स्टडिंग सी प्लस प्लस। सो सी प्लस प्लस क्या है? सुपर सेट है सी का। जो सी एंड सी प्लस प्लस है इन्हें मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर समझने में मदद करती हैं, मतलब कि ये गैप बाइंड कर देती है बिटवीन मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हमें समझ आने लगता है कि कंप्यूटर में अगर आप एक भी की प्रेस कर रहे हो तो वो आपकी स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होती है हमें, और उसकी मेमोरी लोकेशन, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ समझने में हमारी सी एंड सी प्लस प्लस मदद करती है, ठीक है। ये ब्रिज कर देती है गैप बिटवीन मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने में भी बहुत इजी होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस आर डन फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग मींस ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो भी होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमारी सी प्लस प्लस हमें फ्रूटफुल है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जैसे कि अमेजन हो गया, एडोब प्रोडक्ट जैसे कि फोटोशॉप, फेसबुक, ये सब क्या है? ये सी प्लस प्लस सेंट्रिक प्रोडक्ट्स हैं जो मैक्सिमम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करके बने हैं। सो लुक एट द पावर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। नाउ वी गोना स्टडी अबाउट द यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। जो हमारी सी प्लस प्लस है वो इररिप्लेसेबल है। इररिप्लेसेबल कैसे? जो हमारी वीडियो गेम्स होती हैं या फिर कंप्यूटर गेम्स हो गई, एडोब के प्रोडक्ट्स लाइक फोटोशॉप वेरी पॉपुलर, वीडियो गेम्स मच पॉपुलर, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, ऐसे के एडोब के प्रोडक्ट्स, ठीक है। अमेज़न इतनी बड़ी ई कॉमर्स साइट है, ट्रेंडिंग पे है। फेसबुक, वी ऑल नो अबाउट फेसबुक, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब सी प्लस प्लस की मदद से बने हैं, ठीक है। इनमें सी प्लस प्लस की कोडिंग यूज की गई है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस इज फॉर श्योर एन इररिप्लेसेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेनिफिट सेकंड पढ़ रहे हैं कि जो सी प्लस प्लस है ये कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझने में मदद करती है। मतलब अगर हमने पढ़ा है कि इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड, ये सब कुछ पढ़े हैं हमने। कैर की कितनी बाइट होती है? 1। फ्लोट की कितनी होती है? 4। इंट की कितनी होती है? 2, ठीक है, 2 बाइट्स होती हैं। ये सब क्या होते हैं? ये मेमोरी में स्टोर कैसे होती हैं, ठीक है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी हो वो हम कैसे करते हैं, मेमोरी की वर्किंग क्या होती है, ये सब कुछ हमें सी प्लस प्लस हेल्प करती है समझने में। यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझने में हाँ सी प्लस प्लस का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और जो सी प्लस प्लस है हमें मालूम है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज है, यानी कि जो भी हम कोड लिखेंगे वो इंटरैक्ट करेगा डायरेक्टली इंटरनल हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर से। हमने कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, इंट एक्स, इंट की बाइट क्या होती है? 2। सो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी टेकन, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स ऑफ मेमोरी, तो 16 बिट्स यूज हो जाएंगी किसे सेव करने में? हमारा वेरिएबल x,
ये रहा इंट, 2 byte का होता है और 1 byte होती है 8 bit के बराबर, तो इंट एक्स है, तो इस एक्स की जो वैल्यू स्टोर होगी मेमोरी में वो कितनी बाइट लेगा, ये वेरिएबल एक्स कितनी स्टोरेज लेगा, 16 bits की, क्योंकि 1 byte में 8 bit है, तो 8 2 16, समझ आया। तो जो C++ है ये हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर समझने में बहुत अच्छे से हमारी मदद करता है।